जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी यह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लफ्ज है जो धर्मांतरण का मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेगी और हिंदू और मुसलमान करके और चुनाव लड़ेगी, लेकिन हम चुनाव जीतने नहीं देंगे, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 80 में से एक भी सीट विपक्षी नहीं जीत पाएगा, यह डंके की चोट पे कहता हूं। अभी नगर निकाय चुनाव में उन्होंने देख लिया क्या स्थिति उनकी है। रही बात लव जिहाद और धर्मांतरण, तो पूरे देश में लव जिहाद और धर्मांतरण चल रहा है, लेकिन यह कहां चुप हो जाते हैं जब जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जब इनकी शासन सत्ता सरकार होती है तो एक कौम एक मजहब एक संप्रदाय की बात होती है। आज तो स्थिति यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सभी वर्ग सभी वर्ण सभी संप्रदायिक लोग शांतिपूर्वक हैं। यह स्थिति रहती थी कि सिर्फ यहां पर आतंकवादियों की चलती थी, आज तो स्थिति यह बना है कि आतंकवादी की स्थिति क्या है, या तो जेल में या तो फिर सीधे प्रभु से मेल में, बाकी कोई जगह ही नहीं है। तो मुझको लगता है कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और डंके की चोट पे कहते हैं कि पुनः विपक्षी का कोई अस्तित्व नहीं है, विपक्षी खत्म है। आने वाले दिनों में 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।